तो ये देखिए मेरे पीछे आप लोग सारा का सारा होलसेल का सामान, और मैं आज घुमा रही हूँ आप लोगों को कानपुर का नया गंज मार्केट, जहाँ पे सारा का सारा होलसेल का सामान मिलता है। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ, और मैं हूँ अनिमा। तो आज मैं आप लोगों को कानपुर का होलसेल का मार्केट दिखाने वाली हूँ, ग्रोसरी का, जो कि पड़ता है नयागंज में। उसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम अभी चल रहे हैं ये नयागंज में, और यहाँ पे मतलब ये किराने का सामान मिलता है होलसेल में ना, हाँ, दवाइयों का भी। तो यहाँ पे दवाइयाँ और किराने का सारा सामान आपको होल सेल में मिलेगा। कानपुर का ये बहुत ही फेमस मार्केट है नयागंज, और ये पड़ता है कानपुर जो रेलवे स्टेशन है ना, मतलब जिसे कानपुर सेंट्रल बोलते हैं, उसके बहुत ही पास में। मतलब आप जैसे ही घंटाघर की साइड बाहर निकलेंगे तो वहाँ से रिक्शा या पैदल भी आप जा सकते हैं इस मार्केट में। ये देखिए ये अगरबत्ती ब्रशेस वगैरह ये सारे के सारे रखे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। ये मंदिर है, और ये पीपल वाली गली है, इसके अंदर मिलती हैं दालें वगैरह आप लोगों को। चल लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये सब का सब होलसेल में ही सारा का सारा सामान मिलता है। और वैसे भी कानपुर का मार्केट यूपी का नंबर वन इंडस्ट्रियल मार्केट है। ये देखिए सामने मसाले वगैरह रखे हैं, खड़े मसाले, मिर्चा, हल्दी वगैरह इस तरह से। ये देखिए बेसन, शक्कर, ये देखिए कानपुर कितनी पुरानी बिल्डिंग है भाई। और ये है उसी मार्केट का बैक साइड वाला एरिया, मतलब नयागंज का ही। तो ये देखिए मंदिर एक, और यहाँ पे मिलते हैं आपको त्रिपाल वगैरह, मतलब त्रिपाल, पन्नी, बोरी, कुछ इस तरह का यहाँ पे सारा सामान मिलता है। अभी आप लोग आगे देखेंगे। और वैसे ना यहाँ पे ये देखिए आटे वगैरह की मतलब थैलियाँ वगैरह रखी हुई थी। तो इस वाली मार्केट में आपको सारा का सारा होलसेल, और ये देख कॉटन वगैरह देखी होगी शायद आपने, यहाँ पे सारा का सारा होलसेल में ही सामान मिलता है। अगर आप लोगों की शॉप वगैरह है तो आप लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो भी ये वाली मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर यहाँ पर मिलता है, और रिटेल में भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रिटेल में जो आपको मतलब एक होता है ना भाव लगना, वो थोड़ा सा कॉस्टली लगेगा रेदर देन होलसेल वाले भाव से। लेकिन हाँ, होलसेल में अगर आप लेंगे, थोक में कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं तो वो ऑब्वियसली देंगे कि सस्ती पड़ती है। और ये हम चल रहे हैं घंटाघर की तरफ, अभी वाली जो रोड जाती है ये जाती है घंटाघर की साइड। तो ये है घंटाघर वाली रोड, हम घंटाघर साइड, ये है घंटाघर को जाता है रोड ये वाला, ये देखिए। तो ये वाली जो रोड है ना जिसपे हम चल रहे हैं, ये जाती है बेगनगंज आलमबाग मार्केट को, जो कि कानपुर के बहुत ही बड़े मार्केट हैं। ऑब्वियसली थिंग है कानपुर के बहुत ही बड़े मार्केट हैं बेगनगंज एंड आलमबाग, और भी बहुत सारे बड़े मार्केट हैं। तो आप लोगों को बेगनगंज एंड आलमबाग मार्केट का वीडियो मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आप लोग ना कानपुर की बहुत ही रेलिवेंट जानकारी मतलब चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मतलब मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारी कानपुर के बारे में अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिनको भी ज़रूरत लगती है इस तरह के वीडियोस की। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एज़ यूजुअल रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारी के सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिलती रहे कानपुर के बारे में। सो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा।